श्रद्धा दीयते यत्तत् श्राद्ध, जो श्रद्धा से दिया जाए वह श्राद्ध है। तो श्रद्धा से जो हम पितरों को अर्पित करते हैं उसको श्राद्ध कहते हैं। तो जो भी दे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को श्रद्धा से कोई भी चीज, इस वाक्य के द्वारा हम समझते हैं कि श्रद्धा दीयते यत्तत् श्राद्ध, यानी कि श्रद्धा से अगर कोई भी व्यक्ति किसी को दे तो वह श्राद्ध के रूप में, पितरों को दे तो वह श्राद्ध के रूप में मान्य है। यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि पुरुष दे या स्त्री दे। प्रमाण वाक्य है कि भगवती पराम्बा सीता ने भी राजा दशरथ को जो है पिंडदान किया था, और गया में ऐसी कथा सुनी जाती है जाने पर कि वहाँ पर बालू का पिंड दिया जाता है फल्गु नदी में, कि पहला पिंड जो है भगवती सीता ने दिया था और फल्गु नदी ने झूठ बोला था, इसलिए फल्गु नदी को श्राप मिला, जिस वजह से गौ को श्राप मिला। तो इस वजह से यहाँ पर देखने से यह प्रतीत होता है कि स्त्रियाँ भी श्राद्ध कर सकती हैं। और गरुड़ पुराण में वाक्य वचन है कि यदि पुत्र न हो तो सबसे प्रथम अधिकार पुत्र को है, उसके बाद पति को है। पति के न रहने पर यदि किसी भी पुरुष की कई स्त्रियां हैं तो उसमें अगर एक ही स्त्री पुत्र है तो उसे सभी स्त्रियों को पुत्रवती मानना चाहिए। यदि क्या कहते हैं सभी कई पुरुष घर में हैं और उनके बीच में अगर किसी एक व्यक्ति की शादी हुई है, अगर उसको एक पुत्र है उस पुत्र से सभी व्यक्तियों को अपने आन को पुत्रवान मानना चाहिए। तो किसी के न रहने पर खानदान में स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं, उनके रहने पर गुरु को श्राद्ध करने का अधिकार है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि स्त्रियां श्राद्ध नहीं।